अब देखिए अपना सवाल है, चार सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। अब देखो ये तो 60 डिग्री के कोण बनने वाले त्रिज्याखंड है, इसको लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं, लघु त्रिज्याखंड। और इसके साथ में ये देखो ये पूरा जो बना हुआ है यह संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। अपने सबसे पहले इसका करेंगे, ठीक है ना, यानी इसका क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300, ठीक है। आप पाई का मान अपने 3.14 रख लेते हैं, आर स्क्वायर देखो इसकी त्रिज्या कितनी थी 4 × 4, थीटा कितनी डिग्री कोण है 60 बटा में 360 हो गया, 6 × 6 = 36, ठीक है। 2 से काट लूं, 3 × 6 2 × 2 = 4, अब 4 × 8 8 को 3.14 से गुणा करेंगे कितना आया था अपना 25.12, ये याद है, बटा में कितने हैं 3, बाहर गए तो 8.37 वर्ग सेमी। ये तो आ गया इसका इस त्रिज्याखंड का। अब अपने को संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का करना है तो अपने को इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल करना पड़ेगा, पूरे वृत्त का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई यही होता है, तो पाई का मान मैं 3.14 रख दूं, गुणा आर कितना है 4 × 4, 3.14 को 4 × 16 से गुणा करेंगे, 16 से कितना आया था अपना 50.24 वर्ग सेमी आ गया। अब ये तो पूरे वृत्त का आया, अपने को संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का करना है तो ये लघु वाले का क्षेत्रफल इसमें से घटा दो, इसमें से इस बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने 50.24 माइनस कितना कर दूं 8.37, कितना आया था अपना इसका 41.87 वर्ग सेमी, कर सकते हो।